रिसेंटली ना मैंने विजय देवकोंडा जो तो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं लाइगर मूवी भी आ रही है उनकी नॉट अ पोशनल वीडियो वाइज तो फिर उनको देखा कि वो किसी प्रमोशनल वीडियो के लिए गए हुए थे वहाँ पे ना वो खा रहे थे इंदौरी पोहा जलेबी उनको बोला गया था और उन्होंने चूज़ करा खाने को पोहा फिर मुझे याद आया मैं रिसेंटली इंदौर गई थी और वहाँ का पोहा काफ़ी डिफरेंट था मुझे घर पर आगे ट्राई करने का मन करा और मैंने सोचा याद आ गया मुझे मेरे को ट्राई करना था अब वैसे भी आई एम डूइंग वट्स सेलेब्स ईट वाली सीरीज तो वाई नॉट दिस तो सबसे पहले आप पोहे को लो धो ठीक है अच्छा सर पानी वानी में से टिप करके फिर उसके बाद उसके अंदर डालो थोड़ा सा नमक थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच चीनी डाल दो ठीक है टेस्ट के अनुसार नमक नमक डाल लें चीनी डाल दो चीनी डलती है इस पोहे में जो इंदौर में बनता है मैंने भी पहली बार देखो मेरी मम्मी तो पुलाव की तरह पोहा बनाती है मेरे को दही के साथ खाना पड़ता है इतनी स्पाइसी होती है वो क्योंकि हरी मिर्च भी डली होती है यहाँ चीनी डल रही है बताओ अलग अलग, अलग जगह अलग, अलग अलग पोहा बनता है तो यहाँ पे ना तेल लो थोड़ा सा थोड़े से पीनट्स ले लो इसमें से एक दो चीज़ें आपके घर पे नहीं भी हुई तो स्किप करते ना मेरे पास भी लास्ट में एक चीज़ नहीं थी तो मैं बता दूँगी आपको क्या नहीं था वो थोड़ा सा आप हींग डालो जीरा डालो सौफ जैसे चीनी डलती है ना इस सौफ भी डलता है पोहे में साथ में आप कड़ी पत्ता डालो और बहुत कुछ डालना है प्लीज रुक जाओ रुक जाओ हरी मिर्च डालो प्याज डालो हरी मिर्च को तो मैंने ऐसे ही लंबा लंबा छोटा छोटा ही काट दिया फिर उसके बाद एक प्याज लिया बड़ा उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए और उसको ना हल्का हल्का सा ना सॉटे सा कर लो ऐसे इसके अंदर थर्टी सेकेंड्स के लिए और फिर उसके बाद मिक्स कर लो इसको आपका जो तड़के वाला सामान आ गया ना वो गया रेडी ओ हाँ मैं हींग डालना भूल गई थी पहले डालनी थी इसको तो मैंने अभी डाल के दिखा दी और साथ में क्या कहते हैं कुछ नहीं तड़का हो गया रेडी अब थर्टी फोर्टी सेकेंड्स के लिए मैं इसको और वो करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसका ना पानी डाल दूँगी क्योंकि अब हमारा पोहा वैसे तो रेडी हो गया पर आ, उसको पूरा कुक करने के लिए हमें ऑलरेडी और पानी में या तो उसके अंदर ऑलरेडी डालना चाहिए था या फिर आप पैन के अंदर डाल के ऐसे कर सकते हो तो फिर मैंने क्या करा कि हल्का सा डाला और अब इसको थोड़ा सा कुक होने दूँगी मैं तो जब वो पोहा बन के आया था ना इन दो में गर्म गर्म तो ये मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ नमक मिर्च चार मसाला ब्लैक सॉल्ट भुना जीरा ये पांच छह चीज़ें वहाँ पे ना जिरावन जिरावन करके ना कोई मसाला होता है नाम ना मैं भूल गई मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी वो होता है पर मैंने तो घर पे जुगाड़ू तरीके से ऐसे चार पांच मसाले मिक्स कर दिए तो वो मैं मेरे को लाना चाहिए था यार घर में मम्मी पापा को ट्राई करना चाहिए था तो वो डलता है पोहे के ऊपर ऐसे मसालेदार और साथ में ना उनकी सेव भी अलग ही होती है ये तो चलो वो सेव नहीं है ये तो रात की कोई सेव है पर मतलब बूंदी और वो बेसन की एक सेव होती है मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इंदोरी सेव होती है जो हर चीज़ में वो लोग डालते हैं काफ़ी टेस्टी थी वो 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 ऊपर से डाल के फिर उसका पोहा वोहा से बनता है और काफ़ी टेस्टी हो जाता है और ये पोहा मतलब जिनको पसंद है ना और नए तरीके से ट्राई करना है मतलब जैसे मेरे जैसे पंजाबी बच्चे के लिए तो ये थोड़ा सा नया है ट्राई करो शेयर उनसे जिनसे ट्राई करना चाहिए नया तो फॉलो वेजर के लिए लाइक